तो नमस्कार जी, सारा है कुश्ती इज माय लाइफ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कुश्ती इज माय लाइफ। तो दोस्तों, मेरा नाम है अरिओम कश्यप। तो दोस्तों, मैंने जो पिछला एक वीडियो बनाया था लंगोट के ऊपर, आज मैं उसी के ऊपर जो मेरे उस वीडियो में क्वेश्चन आए थे, आज मैं उन सभी क्वेश्चन का आपको इस वीडियो में सॉल्व करूँगा, उनका जवाब दूँगा। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो में मैंने अधिकतर जो भी आपने मेरे से क्वेश्चन पूछे हैं उन सभी का जवाब मैं इस वीडियो में कवर कर दूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, पर आपकी सभी बातों को मैंने ध्यान रखते हुए ये वीडियो बनाया ताकि आपको आने वाले समय में इससे रिलेटेड कोई भी समस्या ना रहे और मन में आपके कोई भी क्वेश्चन ना रहे। ठीक है दोस्तों, तो मैंने इन जो आपके सवाल हैं आपने उस वीडियो में कमेंट किए थे, मैंने वो वीडियो में इन कमेंट को एक पेज पर लिख दिया है। अब मैं इस वीडियो में आपको वो मैं क्वेश्चन बताऊंगा और साथ साथ में उनका जवाब भी दूंगा। आप ध्यान से सुनिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, पर मैं आपको ये बात दावे के साथ कहता हूं कि आगे इस टॉपिक के ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा आपके मन में। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है तो फिर मैं वापस अगेन से एक वीडियो बनाऊँगा, तो फिर वो वीडियो भी जरूर देखना। तो मैंने एक पेज पर लिखे हुए, मैं अभी क्वेश्चन पढ़ता भी रहूँगा और साथ साथ बताता भी रहूँगा। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, क्या हम लंगोट को 24 घंटे पहन सकते हैं? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन है तो दोस्तों इस क्वेश्चन में मैंने ज़्यादा रुकिए नहीं बे तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि आप लंगोट को क्या 24 घंटे पहन सकते हैं? अब इसका उत्तर सुन लीजिए दोस्तों हम लंगोट को सिर्फ वर्कआउट के समय ही पहन सकते हैं। हाँ, अगर आप 24 घंटे पहनते हैं कि इससे और भी समस्या ना हो तो ये गलत है। अगर आप इसको 24 घंटे, वैसे आपकी मर्ज़ी के अनुसार आप पहन भी सकते हैं, पर मैं ये कहूँगा कि आप इसको सिर्फ वर्कआउट के समय के अनुसार ही पहने, वही आपके लिए बेस्ट रहेगा। जब आप वर्कआउट करते हैं सुबह शाम की, तब आप लंगोट को पहन सकते हैं, या सुबह आप जब वॉकिंग वगैरह सैर वगैरह करने जाते हैं तब आप इसको पहन सकते हैं, वो फ़ायदेमंद रहेगा। और सारा दिन पहनने से आपके जो जांग में जांग लग जाएंगी और इन्फेक्शन भी हो जाएगा, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और डॉक्टर को भी एलर्जी वगैरह या कुछ और इन्फेक्शन आपके जो जांग के बीच में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको सिर्फ वर्कआउट के समय ही पहने और बिना इसको सारा दिन 24 घंटे ना पहने बिल्कुल भी। अभी देखते हैं इस वीडियो का जो सेकेंड क्वेश्चन, लंगोट कैसे कपड़े का बना होना चाहिए? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है। मैं आपको बताऊं कि लंगोट का जो कपड़ा होता है वो हमारा सूती कपड़ा होता है। हाँ दोस्तों, आपको सूती कपड़े का लंगोट लेना चाहिए, वो ही फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि उससे आपके जो जब वो आप पहनते हैं तो उसके आपके जो प्राइवेट पार्ट की सेफ्टी थोड़ी ज़्यादा रखता है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लंगोट पहनने से हाइड्रोसिल की समस्या ख़त्म हो जाती है? तो भाई, ये भी क्वेश्चन बहुत ही सारे लोगों ने पूछा कि क्या लंगोट पहनने से हाइड्रोसिल समस्या ख़त्म हो जाती है। तो भाई, सबसे पहले मैं यह बात बताना चाहूँगा कि हाइड्रोसिल समस्या आपके लंगोट ना पहनने की वजह से हुई है। जब आप रनिंग वगैरह करो थे या कुछ और वर्कआउट करो तब आपने लंगोट वगैरह ना पहनी, तो उस वजह से हाइड्रोसिल समस्या हुई है, जो आपका वर्षण ऊपर नीचे हो गए हैं। ठीक है नी, या उनमें पानी बन गया है। तो भाई, कहने का मतलब ये है कि लंगोट आपने ना पहनने जरूरी चाहिए। अरे भाई, लंगोट सिर्फ यह बात है, लंगोट हाइड्रोसिल की समस्या था मेरे हिसाब से कोई भी ज़्यादा मददगार सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि आपका पहले ऑलरेडी हो चुकी है। अगर आपका हाइड्रोसिल ना है नहीं तो अभी तो लंगोट पहनना शुरू करो। अरे भाई, लंगोट अगर हाइड्रोसिल आपकी बिगड़ चुकी है नहीं तो किसी डॉक्टर अच्छे से डॉक्टर पास सलाह लो भाई, वही चीज़ आपने प्रेफर करेगा। और मैं सलाह दूंगा कि भाई, लंगोट ने आप 2-3 दिन वर्कआउट बंद करो, लंगोट पहनना बंद करो, थोड़ा हल्का फुल्का जब रनिंग का वर्क करो ना आप, तो वो भी बंद कर दो, क्योंकि उससे आपके जो बार बार हिलने की वजह से आपके जो हाइड्रोसिल की समस्या और ज़्यादा बढ़ जाओगी और अपना और टाइम में अपना समस्या दोगे। ठीक है दोस्तों, अभी देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लंगोट को टाइट पहनना चाहिए या लूज? तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि लंगोट ज़्यादा टाइट कसा या फिर लूज रखा? अरे भाई, इसका जवाब यह है कि आपने लंगोट एक सिर्फ कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से पहनना चाहिए, या आपको पर डिपेंड करे कि आपने ज़्यादा टाइट बांधना पसंद है या हल्का बांधना पसंद है। पर मैं तो यह सलाह दूंगा कि आप सिर्फ अपनी जैसे शरीर के अनुसार ही बांधे, ज़्यादा ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा लूज, क्योंकि ज़्यादा लूज होगा तो फिर जल्दी खुल जाएगा और ज़्यादा टाइट होगा तो फिर आपने पेट ना भिज दो ताकि और ज़्यादा तंग कर दो यानी आपने मेहनत करते समय। तो एक सही हिसाब से पहनो आप लंगोट ने। और भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लंगोट पहनने के बाद पेशाब कैसे करें?
हाँ भाई यार बात कई जना पूछे कि भाई साहब कुकर कर रहे हैं जब लंगोट पहन लिया, तो भाई लंगोट पहन का बच्चा जब आप पीछे पिछली साइड आप जो ऊपर वो लंगोट ने टांगा नहीं तो उसने आप खोल कर एक साइड में और अपना पार्टनर बाहर निकाल कर फिर आप पेशाब कर सको, ठीक है यार नॉर्मल सी बात है भाई। यह बात भी लोगों ने पूछी हुई है तो फिर मैंने इनका जवाब भी देना जरूरी है नहीं, क्योंकि लोग बहुत सारे हैं भाई अलग अलग टाइप के कमेंट करे हुए नहीं, तो मैंने इनका जवाब देना चाहिए। वैसे तो ये आसान सी बात है पर कुछ भाई ना बताओ तो भाई की कैसे कहाँ। चलो कोई नहीं मैं इसी चीज़ वास्ते बैठा हूँ यहाँ पर अपना बताता रहूँगा। अरे भाई आया क्वेश्चन लंगोट के फ़ायदे क्या क्या होते हैं, तो भाई फायदे ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया वो वीडियो जाकर देखो भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं और वो वीडियो फायदेमंद रहूँगा आपने हैं तो वो वीडियो भी जरूर देखो भाई जाकर, ठीक है नहीं वो उस वीडियो तो आपने आवाज़ से ही समझ में आओगी कि क्या चीज़ें फ़ायदे हुए हैं। क्या लंगोट पहनने से सौपन दोष खत्म हो जाता है भाई, कहने का मतलब ये है कि सौपन दोष हो गए नहीं का ना भाई, बिल्कुल गलत बात है यार, क्योंकि सौपन दोष एक नेचुरल प्रोसेस है या तो आम आदमी सब में हुआ है, ठीक है नहीं तो लंगोट का सौपन दोष का कोई कनेक्शन नहीं है, बस नू है आपके खाने पीने के ऊपर। अगर जैसे आप हैं ज़्यादा कोई, अरे कहने का मतलब ये है सिर्फ आपने लंगोट अपने प्राइवेट पार्ट की सेफ्टी देख का है सपन दोष नहीं खत्म हो सकता भाई, उसके लिए आपने एक ट्रीटमेंट करवाना पड़ा है, दवाई वगैरह लेनी पड़ेगी, डॉक्टर तो सलाह करो भाई इस चीज़ के बारे में, वही चीज़ आपने सही सलाह दे इसका है। चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई, क्या क्या भाई सच में बजरंग बली लंगोट पहनते थे, तो भाई यह बात है मेरे हिसाब से आपका मन में भी आई हो मेरा मन में भी आई थी भाई, यह तो कहने की बात है पता नहीं शुरुआत प्राचीन समय तक कहानियाँ में यह चीज़ कह दे आए हैं भाई लंगोट बजरंग जी पहले पहने करते और उनकी मूर्तियाँ तो भी देखा आप कि लंगोट बजरंग बली जी ने पहनते हुए देखे अपने ने, ठीक है नहीं तो भाई आप तो कह का उसके बारे में या कोई सच भी हो उसका भाई झूठ भी हो उसका, पर आप तो कोई बात नहीं आई है तो एक धारणा यार कपड़ा भी है, अगर आप मानो तो इसमें कपड़ा है नहीं तो अपना इसमें भगवान भी दिखेगा, ठीक है नहीं मान्य तो पत्थर है भाई नहीं तो भगवान भी है पत्थर में। चलो अगला क्वेश्चन देखें भाई, लंगोट पहनते समय लिंग ऊपर रखे या नीचे, तो भाई ज़्यादातर तो लंगोट पहनते हैं लिंग अपना नीचे रखना चाहिए क्योंकि उससे यार ज़्यादा वो नहीं होगा ना अपना, ये बार ऊपर ऊपर रखोगे तो उसके ऊपर दबाव पड़ेगा और आपके जो नशा में प्रॉब्लम हो उसका भाई, तो मैं उनको नीचे रखो आप इसने। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि भाई क्या शादीशुदा व्यक्ति लंगोट पहन सकते हैं, तो भाई यह भी बात ठीक है और पहन सका भाई कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि जिन्हें अपना ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करना की सोच रखी है भाई तो पहन सको कोई बड़ी बात नहीं है भाई, लंगोट भी पहन सको आप वर्कआउट भी कर सको हो और भाई जब आपने काम शुरू करा उसे टाइम तक परमात्मा साथ हो गया आपके तो करो भाई वर्कआउट शुरू करो और पहन सको कोई बड़ी बात नहीं है। अरे भाई ये बात क्वेश्चन क्या महिलाएँ लंगोट पहन सकती हैं, हाँ भाई यह भी बात सही है लंगोट में भी पहन सका भाई और पहन आमतौर पर सारे रेसलर महिला रेसलर सब भी पहन ला रही है भाई लंगोट तो पहन सको कोई बड़ी बात नहीं है। चलो और देखें क्वेश्चन के कुछ है भाई, अरे क्या लंगोट को कच्चे ऊपर पहन सकते हैं, जी ये बात बिल्कुल गलत है, कच्चे ऊपर कैसे पहन सको आप, कच्चे नीचे पहन सको आप, जब आप कच्चा पैर लोगे तो फिर उसको ऊपर लंगोट बांध दिया फ़ायदा क्या रहा और वो सही नहीं लगा थोड़ा अटपटा लगा, तो मैं कहूँगा नीचे पैर हो आप नीचे पैर का फिर आप कच्चा पैर सको, ठीक है और कुश्ती वगैरह के दौरान आप कच्चे ने निकाल सको लंगोट लंगोट में रह सको, वर्कआउट के दौरान भी चाहे आप लंगोट लोट में कर लो या कच्चा में कर लो, ठीक है नहीं तो यह आपके ऊपर डिपेंड कर आप किस डालते करोगे। और देखो भाई क्या जरूरी है और लंगोट पहनना क्यों जरूरी है भाई, तो भाई यह भी बहुत सारे की समस्या है भाई, इन्हें बेरा नहीं लंगोट पहने फायदे क्यों और क्या नुकसान हो, तो भाई इस बात के ऊपर मैंने एक वीडियो तैयार कराया हुआ है, वीडियो में जाकर देखो भाई, वीडियो में पूरा खोल कर बताया हुआ है उससे आपने समझ में आओगा आगे के कुछ इसका फायदा नुकसान है, ठीक है नहीं वो वीडियो देखो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में मिला सारे वीडियो वो देख दे रहो जरूर। और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लंगोट और सपोर्टर में तो बेस्ट कौन सा भाई, इसके ऊपर भी वैसे तो टॉपिक है तैयार पर मैं आपने एक बार बता दूँ कि लंगोट और सपोर्टर में तो बेस्ट कौन सा, तो मेरा मानना खुद का मानना ये ओपिनियन ये है भाई कि लंगोट सब तो बेस्ट है भाई, हाँ कहने की बात है बिल्कुल बेस्ट द बेस्ट क्वालिटी चीज़ है और लंगोटे सपोर्टर सपाटर कुछ को ना होता लंगोट वर्ग की रिस्क किसी चीज़ में नहीं है, ठीक है नहीं तो अभी और देखा है भाई और क्वेश्चन क्या पूछा तारा। अरे भाई चलो क्या रनिंग करते समय लंगोट पहन सकते हैं, तो हाँ भाई बिल्कुल पहन सको कोई बड़ी बात नहीं, सारे खेल हमें कर सको इस्तेमाल आप इसका लंगोट पहन भी सको हो भाई, अरे कर सको यार रनिंग में भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है नहीं तो लंगोट पहनना शुरू करो। और भाई और देखो तो भाई अंडकोश में पानी भर चुका है तो क्या लंगोट पहनना चाहिए, जब भाई आपने अंडकोश में या हाइड्रोसिल की समस्या तो बिल्कुल ना पहनो, ये चीज़ गलत हो जाओगी क्योंकि और ज़्यादा आपने समस्या बढ़ जाओगे, मैं सलाह दूंगा कि आप डॉक्टर से सलाह लो फिर इस चीज़ का इस्तेमाल करो और कुछ दिन वर्कआउट बंद करो क्योंकि बार बार अगर आप रनिंग करोगे या कुछ और करोगे तो फिर उस तरह आपका इनमें और ज़्यादा समस्या पैदा हो जाओगी, नहीं तो फिर समस्या पैदा हो जाओगी तो फिर आपने समस्या और ज़िंदगी भर तंग कर दोगे,
ठीक है नहीं, तो भाई पहले डॉक्टर दस ला लो, फिर इस चीज़ के ऊपर कोई कोई काम करियो, ठीक है नहीं, फिर लंगोट पैर सको आप। तो भाई अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो हाइड्रोसिल हो गया है भाई, और मैं क्या लंगोट पहन सकता हूँ? तो भाई यह फिर बात भाई आ गई है, हाइड्रोसिल में तो बिल्कुल भी नहीं पहन की सलाह देता, मैं तो यह सलाह देता नहीं भाई लंगोट पैर सको, और ना इससे कोई फ़ायदा हुआ है, पहले डॉक्टर की सलाह लो उसके बाद ये चीज़ करियो आप इस्तेमाल, और कुछ दिन भाई लंगोट पहनना बंद करो, क्योंकि इससे नुकसान नहीं है उसका आपका, और ज़्यादा बीमारी बढ़ जाओगी। चलो और देखा क्वेश्चन क्या कुछ है भाई, अरे भाई क्या लंगोट पहनने बाद भी गलत विचार आते हैं? अच्छा भाई ये तो क्वेश्चन है, भाई लंगोट पहने बाद भी गलत विचार आवे हैं तो फिर क्या करना चाहिए? भाई कहने का मतलब ये हो सारा आपका माइंड की भावना, अपना माइंड के ऊपर फोकस करना चाहिए, अपना सदा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, नकारात्मक सोचोगे तो नकारात्मक विचार आएंगे, अगर आप सकारात्मक सोचोगे तो सकारात्मक आओगे, तो ये सारा डिपेंड अपने ऊपर पड़ा है भाई, इसका लंगोट तो उस तक कोई कनेक्शन नहीं है, तो लंगोट तो बस आपने प्राइवेट पार्ट की सेफ्टी रख सके, या तो मन की भावना है, वैसे देखो तो इसमें कपड़ा है नहीं तो भाई भगवान भी है, ठीक है नहीं, तो गलत ना सोचा और लंगोट पैर का है भाई, लंगोट का अपमान होगा क्योंकि आप किसी चीज़ की धारणा ठेस पहुँचाना है उस चीज़ ने, तो लंगोट पैर देना भाई, कोई भी गलत विचार ना रखो। तो भाई अगला क्वेश्चन था अपना भाई, तो लंगोट का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता? तो भाई बिल्कुल नहीं होता, लंगोट का कोई साइड इफेक्ट नहीं है भाई, ये बिल्कुल नेचुरल चीज़ है, आमतौर पर सारे पैर हैं तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसने बेझिझक पैर हो यह बात का दावा मैं करूँ भाई, ठीक है नहीं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, किसी टाइम पैर सको कुकरे पैर लो, यह कोई नई बात नहीं है। चलो और देखें और किस आपने क्वेश्चन है भाई, क्या जिम करते समय लंगोट पहन सकते हैं? तो हाँ भाई लंगोट पहन सको कोई बड़ी बात नहीं है, जिम करे बाद भी जिम करते समय पहन है, लोग सारे सब पह रहे हैं भाई, मैंने ये बड़े मेरे जो सीनियर है भाई उनसे भी पूछा है यह बात, और मैं पहरे भी हैं, मैं खुद भी देखे हूँ भाई आमतौर पर, मैंने भी खुद जिम करी हुई है, तो उस टाइम भी मैं पहरे रहता भाई, कोई बड़ी बात नहीं, उस तक कोई समस्या नहीं होती, तो पहन सको जिम करते हैं भी। चलो और क्वेश्चन देखा है भाई, हैं भाई क्या लंगोट पहने नाइट फॉल को रोका जा सकता है? अरे भाई नाइट फॉल एक नेचुरल प्रोसेस है, और वह कोई लंगोट का और उसका कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है नहीं, तो नाइट फॉल तो यार नाइट फॉल तो एक नेचुरल प्रोसेस यार, ये आमतौर पर इस एज में सभी में हुआ है, 18 साल की जो एज हो है नहीं, यह आमतौर पर जब बिजली इकट्ठा हो जाए तो वो तो फिर निकलना तो पड़ेगा कैसे ना कैसे रूप में, तो वो सपन दोष का थ्रू लिगड़ है, ठीक है नहीं, वो अपना मन विचलित हो जाए वो अपना पे लिगड़ जाओ, ठीक है नहीं, तो ये कोई इस तक कोई कनेक्शन नहीं है भाई लंगोट का, लंगोट पर रहता है अपना जो नाइट फॉल समस्या वो हो जाओगी ना भाई, बिल्कुल नहीं, उसके लिए आप डॉक्टर से सलाह करो, अगर ज़्यादा ज़्यादा वीरिया नाश होने लग रहे नहीं तो आप अभी डॉक्टर से सलाह करो और कॉन्टैक्ट करो, वही बता सका आपने सही डालता है, आपको एक गुप्त रोग है भाई, गुप्त रोग है, गुप्त कोई डॉक्टर ही बता सका है, ठीक है नहीं, तो मैं वह चीज़ आपने पहले बता दूँ। और देखो भाई एक क्वेश्चन है, क्या लंगोट बांध कर डिप्स या वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं? तो भाई ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, ये भी कर सको भाई, वेट लिफ्टिंग जिम ये सारी चीज़ें के कनेक्शन है, तो इन बार बार की पूछो भाई तो कर सको, कोई बड़ी बात नहीं है, करो भाई लंगोट पैर सको नीचे पैर सको। क्या लंगोट पहन कर नहा सकते हैं? तो भाई बिल्कुल नहा सको जी, इसमें भी क्यों बड़ी बात है यार, लंगोट पैर कर नहा भी सको आप और भी कुछ भी कर सको, ठीक है नहा भी सको भाई, यार वर्कआउट भी कर सको, वर्कआउट करने के साथ साथ मैं भाई मैं कुश्ती करा जैसे कुश्ती करने के बाद लंगोट पैर कहें नहा वहाँ, ठीक है नहीं, आप बॉडी पे साबुन भी लगा सको और लंगोट के ऊपर भी लगा सको, वो तो लगा यार नाम जाना लगेगी लंगोट के ऊपर अगर आप लगाओगे तो, ठीक है नहीं, तो कहने का मतलब ही हुआ भाई आप लंगा नहा सको हर लंगोट वगैरह साबुन वगैरह भी लगा सको, कोई बड़ी बात नहीं है। लंगोट लाए कहाँ से? एक बात है कि भाई लंगोट लियावा खड़ता है, ठीक है नहीं, वैसे भाई जो भाई गाँव में शहर तो हैं जो शहर के अंदर हुए भाई वो भाई चाहे तो अपना किसी बाज़ार के अंदर बहुत सारे शॉप पाँव भाई कपड़े की दुकान हुए हैं तो वहाँ से जाओ और लंगोट ले लो, बढ़िया कॉटन का जो लंगोट हो सूती कपड़ा जो लंगोट हो वो बेस्ट रहा है, वो ले लो 40-50 रुपया मिल जाओ बढ़िया, और उसके ऊपर डबल सिलाई करवा लो वो बेस्ट होगा, ज़्यादा टाइम तक चला रहा अपना फटे भी नहीं गा, ठीक है नहीं, और उससे बढ़िया सलाह यह बात है भाई आप जो अपना लंगोट सिमवाओगे नहीं वो घर तक ही सिमवा लो, वो सबसे बेस्ट रहोगा, आप अपना घर तक बस कपड़ा बाहर ले आओ और घर सिमवा लो, वो अपना लंबा टाइम तक रहो और मजबूती बनी रहोगी और सेफ्टी भी ज़्यादा रखा अपने प्राइवेट पार्ट की, ठीक है नहीं, तो गला सिमा लो वो बेस्ट है सब है। अरे बाकी भाई फिर मेरे क्वेश्चन आया भाई लंगोट अंडरवियर के नीचे पहने या ऊपर, ठीक है नहीं, तो भाई ये 25वां क्वेश्चन था भाई, और मेरे जो इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में कमेंट में सारी चीज़ें जो भी आ रहे थे नहीं क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया भाई, तो ये भी क्वेश्चन आ लिया भाई अंडरवियर के नीचे पैर सका, तो भाई नीचे पैर सको जी बिल्कुल पैर सको, लंगोट पैर का आप वर्कआउट करो हैं, हर बार डिप्स मारो डंड मारो कुछ भी कर सको, या तो
अपना कुछ भी कर सको यार, ठीक है नी। इसका कोई कनेक्शन नहीं है इस चीज़ का। अरे भाई कई जना क्वेश्चन था भाई लंगोट होवे किसा, कई जना देखे भी कोई नहीं लंगोट होवे यार पहले क्या खतरा है, ठीक है नी। तो भाई देखो ये लंगोट है अपना, ये इस टाइप का हुआ है और ये आप करते भी सिलवास को और बाजारते भी लास को, ठीक है नी। ये डड़का जो लंगोट हुआ है और आप घर भी सिलवाओ या फिर, ठीक है नी, एक त्रिकोणा सारा हुआ का त्रिकोणा जैसे त्रिभुज की तरह हो भाई ऊपर तय और नीचे तो एक रस्सी ही हो जाओ त्रिभुज का लगा दो, वाह वाह ले लंगोट बन जाओ, ठीक है नी। आप घर बना सको सिलाई वगैरह कोई टेलर उनके पास जाएगा सिलवास को, और बहुत फायदेमंद चीज़ है भाई। वर्कआउट करते समय या रनिंग करते समय, जिम करते समय, वेट लिफ्टिंग करते समय, डिप्स करते समय सब क्या है मैं भाई इसका इस्तेमाल उसका है, तो भाई इस्तेमाल करो बढ़िया चीज़ है यार, ठीक है नी। और भाई रही कोई क्वेश्चन हो तो वो भी पूछ लो भाई, क्योंकि उसके ऊपर भी नेक्स्ट वीडियो आऊगा। अरे भाई यार तारी ये डिमांड थी कि डाला कोई वीडियो आना चाहिए, अरे ये वीडियो मैंने कवर कर लिया भाई। तो भाई उम्मीद कर रहा हूँ भाई मेरे द्वारा दी हुई जानकारी तो आपने पसंद आई होगी, और इस वीडियो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो भाई हैं, और अपने दोस्तों के पास शेयर करो जिनके भी डाउट नहीं है इस डाल के, ठीक है नी। तो मिला है भाई नेक्स्ट वीडियो में, तभी के लिए जय हिंद वंदे मातरम।